सुकून और शांति भरी सुबह यार, कितना अच्छा लग रहा है देख के। देखो टोंक रोड से होते हुए जा रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, ये विधानसभा भी देख लीजिए आप लोग, बारिश के मौसम में मस्त एकदम बढ़िया खुली सुबह के अंदर कैसी लगती है राजस्थान विधानसभा। शानदार व्यू आ रहा है यार सच में इस टाइम पे विधानसभा का, बहुत ही क्लियर मतलब विदाउट ट्रैफिक, क्योंकि मेरे राइट से कोई निकल नहीं रहा तो बहुत अच्छे से व्यू आ रहा है ना विधानसभा का, कितनी प्यारी लग रही है। देखो अमर जवान ज्योति जो है उसके सामने से होते हुए जा रहा हूँ मैं, जनपद रोड है और अमर जवान ज्योति भी बहुत बढ़िया लग रही है। इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने सारे लोग बैठे थे देखो अभी कल परसों, ये आ गया अमर जवान ज्योति। 15 अगस्त वाला अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है ना तो जाकर के देख लेना, आपको पता चलेगा कि यार कितनी भीड़ थी अमर जवान ज्योति के ऊपर और क्या बढ़िया लाइटिंग कर रखी थी तिरंगे की, मतलब अच्छा लग रहा था यार बहुत ज़्यादा देखने में, बड़ा ब्यूटीफुल सा एकदम शानदार। अब ये गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं ये भी आपको बता देता हूँ इतनी सुबह क्यों लगी हुई हैं, क्योंकि लोग ये जो हैं सेंट्रल पार्क के अंदर, सेंट्रल पार्क का गेट गया इसके अंदर वॉक करने आए हुए होंगे, वॉकिंग वॉकिंग बढ़िया एकदम हेल्थ का ध्यान रखते हुए लोग। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग सबको, और सोकर के यार मैं उठ गया हूँ, हालांकि मैं घर आ गया था सुबह 9:30-10 बजे हॉस्पिटल से, लेकिन क्या है कि फिर एंजियोग्राफी होनी थी 10 बजे बुआ की, तो मैं उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहा था, तो मैंने कहा चलो यार रिपोर्ट आ जाए फिर सोऊंगा, तो 2-3 घंटे तक रिपोर्ट आई नहीं, तो फिर उसके बाद में मेरे को नींद आ गई। बुआ को डिस्चार्ज करके घर पे लेकर के आ गए हैं, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में ऐसा था कि जो आर्टरीज वगैरह थी सब में ही थोड़ा थोड़ा इशू था, तो इस वजह से उनको बोला कि बोले यार आपकी बाईपास तो कर नहीं सकते हैं और स्टंट उनके ऑलरेडी 3 डले हुए हैं, तो बोले अभी नहीं डालेंगे आपके स्टंट, आप है ना एक बार मेडिसिन पे ही रहो, और बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है मेडिसिन से ठीक हो जाए। लेकिन मैं जा रहा हूँ यार सोढ़ानी स्वीट्स देसी घी का घेवर लेने, सोढ़ानी वाले के शायद देसी घी का मिल जाएगा, अग्रवाल कैटरर्स के तो देसी घी का अवेलेबल दिख नहीं रहा था, और मैं तो क्या यार ऑनलाइन ही मंगवा रहा था, ऑनलाइन क्या कूपन कोड वगैरह लग जाते हैं थोड़ा सा है ना सस्ता पड़ जाता है, मतलब डिस्काउंट वगैरह आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्या है देसी घी का घीवर में मतलब उसके अंदर दिखा नहीं ढंग से, मैंने कहा ठीक है चलो फिर जा करके लेके आते हैं। एक बार यार अग्रवाल कैटरर्स भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये क्लोज था, फिर सोढ़ानी चलेंगे अगर यहाँ पर देसी घी का नहीं मिला ना, क्योंकि देसी घी का ही चाहिए घर वालों ने जितना कहा है। यार घेवर मिल गया यार, उसको मिलने मिलने में 35 से 40 मिनट लग गए, क्योंकि क्या है बंदे भले इतने सारे थे लेकिन क्या है पहले ये पीस आपके तोलते थे कि भैया इतना वेट हो गया, फिर सामने से जाके कूपन लेकर के आओ, फिर मतलब कूपन कटा के कि हाँ जी भैया कि किसको कितने पीस चाहिए, किसी को बड़े वाले है ना 2 पीस चाहिए, किसी को छोटे वाले चाहिए, किसी को सबसे मिनी वाले चाहिए, सबके अलग अलग भाव, तो मैं जा कर के मैंने है ना अपने ये 5 पीस जो है मिनी के ये ले लिए और बस अब घर जा रहा हूँ यार सीधा। बाकी आज के दिन भाई साहब घेवर की वजह से कमाई जो होती है ना कैटरर्स वगैरह की बहुत तगड़ी यार, क्योंकि घेवर के अंदर लगता कुछ नहीं है, चाशनी और वो जाल सा बस, जिसका जितना बड़ा ब्रांड उसकी उतनी बढ़िया कमाई। यहाँ पे लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है जयपुर के अंदर, उसका 1000-1000 रुपये का भी एक घेवर बिकता है, आप सोचो यार आज के दिन। बस जी यहाँ तक का व्लॉग देखा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ों का विशेष तौर से सम्मान करें, और आप सभी को तीज के जो फेस्टिवल है तीज का जो त्यौहार है उसकी है ना वापस से ढेरों शुभकामनाएं, आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें।